So hey guys, what's up and welcome back to SB Picture with another editing tutorial. So guys, कैसे हो आप सब? तो guys, आज हमारे पास है ये वाली फोटो। इस फोटो में हम डालने वाले हैं कॉफी ब्राउन टोन, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टोन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, ठीक है। तो वो मैंने जब अपनी फोटो एडिटिंग किया था तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसी फोटो बनेगी, ठीक है। जस्ट मैंने जब इसे कलर ग्रेडिंग करा, रिटचिंग किया, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी फोटो। जस्ट ना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इस फोटो के बारे में, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला तो इस पर काफ़ी सारी रीच भी आई थी, ठीक है। तो बात करेंगे इसी के बारे में कि इस फोटो को आप कैसे बना सकते हो कॉफी ब्राउन टोन में, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठीक है, और हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर नए हो तो, और नहीं हो तो भी कर देना, ठीक है यार, कर देना, ठीक है। चलो तो जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैंने वहाँ पर भी ये पोस्ट कर रखी है, ठीक है। वहाँ पे मुझे DM भी करना, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। आपको अगर किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ये ना आप अपने लाइटरूम मोबाइल से ही कर सकते हो, जस्ट आपको फ़ोन में मिल जाएगा लाइटरूम। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है जिसके ऊपर, प्रीसेट। इस फोटो को मैंने एडिटिंग किया है, मैं आपको मैनुअल भी बताऊंगा कि मैंने कैसे एडिटिंग किया है। जस्ट मैंने इसका प्रीसेट भी बना के रखा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पर अपने ड्राइव की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको ये प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर प्रीसेट डाउनलोड कर लेना एंड एक क्लिक में आपकी फोटो बढ़िया बन जाएगी। जस्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, आप मैनुअल भी सीख लो। तो अपनी फोटो को इनपुट करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में और स्टार्ट करते हैं एडिटिंग का प्रोसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, अब मेरी फोटो जो है वो इनपुट हो चुकी है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जस्ट हमें सबसे पहले इस फोटो का जो है वो कलर करेक्शन करना है, ठीक है। तो जस्ट कलर करेक्शन के लिए हमें इस लाइट वाले ऑप्शन में आना है एंड इसका एक्सपोजर मैं हल्का सा डाउन करता हूँ, ओके, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा डाउन कर देता हूँ, 14-40 सॉरी, एंड हाईलाइट को भी थोड़ा डाउन कर देता हूँ, शैडोज़ को करता हूँ थोड़ा इंक्रीज +32 एंड ब्लैक्स को कर देता हूँ माइनस, ओके। अब आप देख सकते हो मेरी फोटो की लाइट जो है वो एडजस्ट हो चुकी है, ओके। जस्ट आपको अब इस कलर के ऑप्शन में आना है। अब हमें जो कलर बनाना है वो मैं बना रहा हूँ डार्क ब्राउन कलर टोन, ठीक है। तो जस्ट इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा इसका एंड सैचुरेशन -6। अब इस मिक्स के ऑप्शन में आना है आपको, ठीक है। जस्ट ऑरेंज कलर है ये जो हमारे फेस का कलर है, ठीक है। तो इससे मैं सबसे पहले इसका मैं सैचुरेशन -3 रखता हूँ, ओके, एंड ल्यूमिनस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि हमारे फेस पे थोड़ी लाइट आ जाए, ओके। एंड अब हमारा है येलो कलर। तो जस्ट अगर हमें कॉफी वो ब्राउन कलर टोन बनाना है तो इसके लिए हमें येलो कलर का ह्यू जो है वो ऑरेंज कलर की तरफ लाना पड़ेगा, ओके। एंड सैचुरेशन थोड़ा सा -24 एंड इसका ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर का भी ह्यू ले आना है येलो कलर की तरफ, ओके। एंड इसे भी थोड़ा माइनस कर देना है 23, ओके, डन। एंड स्काई कलर लेना है, बिल्कुल माइनस कर देना है। ब्लू कलर भी लेना है, इसे भी माइनस कर देना है, ठीक है। सैचुरेशन इसका -31 एंड ह्यू इसका माइनस कर देता हूँ 17 के आसपास, ओके, डन। अब आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो का बिफोर एंड आफ्टर, ओके। अब हमारी फ़ोटो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं लग रही है तो इसे और भी ज़्यादा डार्क बनाने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं इस वाले ऑप्शन में एंड इसी क्लैरिटी को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 49, ओके, 50% मैंने इसे बढ़ा दिया, ओके। एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा डाउन करता हूँ, ठीक है, विंटेज को हल्का सा कम करता हूँ, ओके, डन। अब आपको फिर से इस कलर के ऑप्शन में आना है, जस्ट आपको यहाँ से कलर ग्रेडिंग करना है, ओके। तो कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले मैं हाईलाइट सेलेक्ट करूँगा एंड हाईलाइट का सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा के येलो कलर की तरफ लाऊँगा, येलो एंड ऑरेंज के बीच में, ओके। सैचुरेशन मैं +8 कर देता हूँ इसका, ओके, डन। एंड जस्ट आपको आना है शेडो के ऑप्शन में, सैचुरेशन इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ह्यू से वहीं पे रखना है येलो एंड ऑरेंज के बीच में, ओके। एंड अब इसका ल्यूमिनस माइनस कर देता हूँ तो हमारी फ़ोटो और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, ओके, डन, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा इसका टेम्परेचर शेड लेना है हल्का सा, टेम्परेचर +2 एंड टिंट -3, ओके। अब आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो का बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन में आना है मास्किंग के, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ से प्लस करना है, प्लस करने के बाद एंड एक लाइनर ग्रेडियंट क्रिएट करना है नीचे से, ओके। अब इसकी लाइट जो है इसकी एक्सपोजर थोड़ा माइनस कर देना है एंड इसकी क्लैरिटी को बढ़ा देना है, ओके, डन। अब एक और लाइनर ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। जस्ट इसे ऊपर से मैं ड्रॉ करूँगा नीचे के साइड, ठीक है। तो ऊपर से भाई ऐसा लगना चाहिए कि हमारी जो सनलाइट है ना वो पूरी पूरी सनलाइट आ रही हो, तो इसके लिए एक्सपोजर मैं इसका बढ़ा देता हूँ
ओके, एंड ब्लैक्स को कर देता हूँ कम, और क्लियरिटी में जाता हूँ, क्लियरिटी को बढ़ा देता हूँ। ओके डन, जस्ट इसका भी मैं थोड़ा ब्लैक्स कम कर देता हूँ ताकि हमारी फ़ोटो नीचे से डार्क हो जाए। ओके वाओ, ठीक है डन। अब आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो का बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। जस्ट आपको फिर से एक आना है, थोड़ा वाइब्रेंस इसका कम करना है, ठीक है, हल्का सा सैचुरेशन माइनस करना है, येलो कलर का भी सैचुरेशन हल्का सा माइनस, एंड ग्रीन का भी हल्का सा माइनस। ओके डन, ये देख सकते हो इसका बिफोर, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। ओके जस्ट आप अभी भी यार फोटो थोड़ी हल्की सी कमी लग रही है, तो जस्ट आपको फिर से आना है इस वाले ऑप्शन में, एंड प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, और एक रेडियल ग्रेडियंट लेना है, ठीक है, जस्ट हमारे सब्जेक्ट पर छोड़ देना है, ठीक है। ओके अब मैं इसे इन्वर्ट कर देता हूँ। ओके जस्ट अब ये हमारे सब्जेक्ट पर नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक विग्नेट क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा एक्सपोजर कम, एंड ब्लैक्स हल्का सा कम, ठीक है। ओके -3, एंड जस्ट आपको क्लियरिटी का ऑप्शन माना है, इसकी क्लियरिटी को बढ़ा देना है। ओके अब आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो कितनी ज़्यादा डार्क हो चुकी है, एकदम मस्त लग रही है, ठीक है। तो ये देखो इस बिफोर एंड आफ्टर। और हाँ गाइस, आपको इसका प्रीसेट चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मेरे टेलीग्राम अकाउंट की, ठीक है। तो जस्ट मुझे टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो, ठीक है, वहाँ पर आपको इस प्रीसेट की लिंक मिल जाएगी मेरे गूगल ड्राइव की, तो वहाँ से आप इसका प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट 3 डॉट पर क्लिक करो एंड कॉपी सेटिंग करो, ठीक है। ओके एंड जस्ट अब जो हमारी फ़ोटो है इसमें पेस्ट कर दो लाके, एक क्लिक में आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। जस्ट मैंने जैसे अभी इसकी कॉपी सेटिंग किया वैसे ही 3 डॉट पर हमें क्लिक करना है। ओके प्रोसेसिंग में अभी फ़ोटो, ठीक है, जस्ट यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड पेस्ट, एक क्लिक में हमारी फ़ोटो बढ़िया बन जाएगी। तो जाके फटाफट आप प्रीसेट डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अपनी फ़ोटो को एक क्लिक में भी एडिट कर सकते हो आप। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चलो तो गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो, और फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, लाइक करके जाना।